हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुषमा और एक नया कंटेंट लेकर आई हूं। मैं यूजीसी नेट की तैयारी के चरण में अगला वीडियो में लेकर आई हूं और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेट के क्वेश्चंस अब बहुत ही ज़्यादा जीके से रिलेटेड आने लगे हैं जो कि सोशल इश्यूज से रिलेटेड होते हैं और नया सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, वो हैं रविंद्र कुमार सिन्हा। दूसरा क्वेश्चन है जल पुरुष किसे कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह है, इसके आंसर जल पुरुष राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। इनको पानी वाला बाबा भी बोलते हैं। राजस्थान में इन्होंने पानी के संरक्षण के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया था, इसीलिए इनको जल पुरुष कहा जाता है। फिर है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, कहाँ पर है? नागपुर में है। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? बाबा आपटे ने चलाया था। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1988 में चलाया गया था और ये आंदोलन जो था नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था उसके विरोध में चलाया गया था, क्योंकि आसपास के जो गांव थे उनको कहा गया था कि आप गांव छोड़कर निकल जाइए, अपने अपने घरों को आप सरकार को दे दीजिए, वो ज़मीनें जो हैं उस पर बांध बनेगी। लेकिन लोगों ने विरोध किया और नर्मदा नदी में कूद के अपनी जान देने के लिए उतारू हो गए और विश्व बैंक भी था जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो फाइनली ये आंदोलन बहुत ही सक्सेस हुआ था क्योंकि नर्मदा नदी से संबंधित सभी जो बांध का कार्य हो रहा था ये भी रोक दिया गया था, इसलिए इसको सक्सेसफुल आंदोलन माना जाता है। ये बाबा आप्टे थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस आंदोलन में। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 को कौन सा दशक घोषित किया गया? सॉरी, यहाँ वर्ष टाइप हो गया, यहाँ होगा दशक। कौन सा दशक घोषित किया है? तो वो है जैव विविधता दशक, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वनों में। देखिए, कोई भी जंगल होगा, कोई भी क्षेत्र होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं। छोटे छोटे बैक्टीरिया भी उसमें जन्म लेते हैं, मच्छर भी जन्म लेते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, ठंडी में कम हो जाते हैं। तो जब ठंडी पड़ने लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जीव जो है ख़त्म हो जाते हैं, जो सर्वाइव नहीं कर पाते वो ख़त्म हो जाते हैं, जो सर्वाइव कर लेते हैं ठंड से वो जीवित रहते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी पाई जाती है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण हमारे सोशियोलॉजी में भी है और पर्यावरण हमारे फर्स्ट पेपर में भी आता है नेट के, इसलिए हमको ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये आपके दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है अनौपचारिक शिक्षा योजना। देखिए, आपने देखा होगा शिक्षा को भी नए सिलेबस में जोड़ा गया है, तो शिक्षा से संबंधित तमाम समितियां जो हैं, शिक्षा संबंधित योजनाएं हैं, शिक्षा से संबंधित जो भी कमेटी बनी थी, जो भी चीज़ें सरकार द्वारा निर्णय ली गई थी शुरू से लेकर लास्ट तक, ये उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसमें है शिक्षा का अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो है 1978 से 1980। देखिए, 1978 में शुरू की गई थी क्योंकि ये योजना थी और योजना जो है ऐसा नहीं कि तुरंत शुरू हुए तुरंत ख़त्म हो जाए, तो इसका दीर्घकालीन प्रभाव भी होता है। तो 80 तक लगभग इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अनौपचारिक शिक्षा क्या था? जो स्कूल में न दी जाए, जो सामाजिक वातावरण में लोगों को नौटंकी के द्वारा, नाटक के द्वारा, फिर किसी प्रकार की कोई योजना के द्वारा जब शिक्षा दी जाती थी, लोग एकत्र होकर कुछ समाज में शिक्षा देने के लिए आपस में वार्तालाप करते थे, कुछ नाटक करते थे, इसी को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और ये योजना जो है 1978 से 80 तक लगभग चली थी ज़्यादातर, और इसका प्रभाव आज भी देखा जाता है नाटक मंडलियों में, लेकिन फिर भी ये प्रभावशाली रूप में ये 80 तक ही थी। फिर अगला है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1978 से 1979 ये प्रौढ़ शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम था क्योंकि घर घर लोगों को जाकर जागरूक किया जाता था, शिक्षित किया जाता था। जो महिलाएं थी, जो पुरुष थे, जो 35 वर्ष से ऊपर थे, उनको यदि वे शिक्षित नहीं थे तो उनको शिक्षित किया जाता था, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। फिर अगला है भ्रष्टाचार देश की एक बड़ी समस्या है, ये तो है ही समस्या, आप जानते ही होंगे। फिर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार 176 देशों की सूची में भारत किस नंबर पर है? ये भी देखिए, इंडेक्स बहुत पूछा जा रहा है, मैं सारे इंडेक्स लगभग लेकर आऊँगी आपके सामने, लेकिन अभी जो सामने है उसको देख लीजिए, वो है 94वां स्थान, ठीक है, 94वें स्थान पर है भारत। फिर अगला क्वेश्चन है द मेथोडोलॉजिकल पोजिशन ऑफ सिम्बोलिक इंटरेक्शन,
ये पुस्तक किसने लिखी? हर्बर्ट ब्लूमर की पुस्तक है। देखिए, हर्बर्ट ब्लूमर ने सिंबॉलिक इंटरैक्शन की बात कही, यानी कि जो प्रतीकों के द्वारा अंतःक्रिया होती है। हमें यदि किसी को शांत कराना है, चुप कराना है, तो हमने एक उंगली उठाई और होठों पर रख दिया, लोग समझ गए कि हमको चुप करने के लिए कहा जा रहा है। इसी तरह से और भी सिंबल्स हैं, नृत्य की मुद्राएँ होती हैं। कोई भी जो नृत्य कर रही नृत्यांगना, वो हमें बताती नहीं कि हमको गुस्सा आ गया है, लेकिन उसकी आंखों से देखकर हमें लग जाता है कि वो गुस्से वाला रोल कर रही है। फिर वो जो मुंह के एक वो होता है, प्रेजेंटेशन होता है, उसमें आपने देखा होगा कि सभी कुछ बिना बोले ही केवल प्रतीकों के माध्यम से ही बता दिया जाता है। तो प्रतीकों के माध्यम से जो इंटरेक्शन होता है, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है हर्बर्ट ब्लूमर ने। तो मैं जब इंटरेक्शन वाला पार्ट पढ़ाऊँगी तो उसमें मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो अगला क्वेश्चन है, तथ्य एक अनुभाविक सत्यापन योग्य अवलोकन है। ये किसका कथन है? ये इम्पोर्टेंट कथन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। गुड एवं हार्ट का कथन है ये। फिर अगला है, कागज़ कंप्यूटर आदि पर मानव द्वारा बनाए गए चिन्हों, शब्दों, विचारों को एकत्रित करने के पश्चात किस नाम से उनको उल्लेखित किया जाता है? तो वो है प्रलेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैधता किसे कहते हैं? देखिए, वैधता उसे कहते हैं जब हम एक ही विधि का प्रयोग एक ही तथ्य पर करें और बार बार एक ही रिजल्ट आए, तो वह वैधता हो गई। ठीक है, अगर रिजल्ट चेंज हो गया तो वैध नहीं माना जाएगा। कोई भी मशीन हो या फिर कोई विधि हो जिस माध्यम से हम मापन कर रहे हैं, तो विधि वो वैध नहीं माना जाएगा। तो इसलिए वैधता उसे कहते हैं जब आंकड़े एकत्र करने के मानदंड अथवा विधि किस सीमा तक वास्तविक है, यानी वास्तविक है कि नहीं, यदि वास्तविक हैं तो ही वैध होंगे। फिर अगला है, आंकड़े एकत्र करने की विधि किस सीमा तक सटीक है, सटीक होने की गुणवत्ता रखते हैं। आंकड़े वास्तविक होने चाहिए, सटीक होने चाहिए और रिजल्ट बार बार एक ही आने चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार, एक बार हमने 2+2 टाइप किया 4 आया, तो 10 बार टाइप करने के बाद 4 आते आते फिर हमने एक बार और टाइप किया तो 6 आ गया, ऐसा नहीं होगा। जब भी कोई वैध होता है, कोई मशीन होती है या फिर कोई विधि होती है, तो बार बार वो एक ही रिजल्ट देगा। ठीक है, टूटे परिवार से बच्चे जो है पलायनवादिता की तरफ बढ़ते हैं, बाल अपराध की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर परिवार टूटे होंगे तो ज़्यादातर वहाँ पे ये चीज़ पाई जाएगी, तो ये वैध हो गई यदि इस विधि से मापन किया जाता है। तो यही चीज़ है कि हम देखते हैं पहले कि जो हम आंकड़े एकत्र किए हैं, जो हमने रिजल्ट निकाला हुआ है, वो वैध है कि नहीं है, तो ही अनुसंधान में उसको हम अडॉप्ट करते हैं, नहीं तो नहीं करते, क्योंकि वैध विधियों को ही मान्य माना जाता है। फिर अगला है, डाटा के प्रकार कितने होते हैं? डाटा के प्रकार होते हैं, पहला है संख्यात्मक डाटा, फिर है अमर डाटा, अक्षर डाटा जिसको हम डिजिटल डाटा भी कहते हैं, फिर है ध्वनि डाटा, हमने किसी की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली, रेखाचित्र डाटा, हमने किसी की फ़ोटो ले ली, वो भी डाटा में आएगा, चित्रविद डाटा, इसमें भी फ़ोटो आ गया। फिर है सामाजिक अनुसंधान की समस्याएँ क्या है? देखिए, सामाजिक अनुसंधान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता। एक वैज्ञानिक होता है जो प्रयोगशाला में केमिकल्स को मिलाकर एक नया केमिकल बनाता है, तो केमिकल्स एक निर्जीव वस्तु है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन मनुष्य के विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं। एक समय में वो ऐसा था, दूसरे समय में दूसरे ढंग का हो गया, तो क्या हो गया कि जो हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में परिवर्तन आ जाता है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने जब हम उस पर कोई रिसर्च किए हों तो उसमें बहुत प्रसन्न रहा हो, बाद में जब हम ले गए उसके रिजल्ट को दिखाने के लिए, फिर से हमने उस पर रिसर्च किया, तो वो किसी दूसरे मूड में रहा होगा और उसने दूसरा जवाब दिया। तो सामाजिक घटनाएं जो होती हैं वो परिवर्तनशील होती रहती हैं, इसलिए हम पूरी तरह से वैध होने की इसमें हम आशंका नहीं जता सकते। फिर है अगला कि वस्तुनिष्ठता की समस्या। हम वस्तुनिष्ठ कैसे कहेंगे किसी अनुसंधान को, क्योंकि वस्तुनिष्ठ तो वही होता है ना जिसको हम नाप तोल सकते हैं। तो हम भावना को कैसे नापेंगे, हम संबंधों को कैसे नापेंगे, किसी व्यक्ति के अंदर हो रही ईर्ष्या को हम कैसे नापेंगे? तो इसमें हमेशा ये समस्या बनी रहती है कि वस्तुनिष्ठता को कैसे प्रेजेंट किया जाए। व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता के बीच में द्वंद्व होता है इसमें, कि हम व्यक्तिनिष्ठ माने या फिर वस्तुनिष्ठ माने। फिर सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक पद्धति। सामाजिक घटनाएं जो होती हैं वो गुणात्मक होती हैं, उनको हम संख्याओं में, मात्राओं में नहीं नाप सकते और ना ही उनको मात्राओं के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम अलग अलग प्रकार के मापन में नहीं इसको फिट बना बैठा सकते हैं। इसलिए सामाजिक अनुसंधान में ये सब समस्याएं आती हैं। अगला है, वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही मत समझिएगा कि ये करंट अफेयर है, ये UGC नेट के सोशियोलॉजी के पेपर में आएगा, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, तो वह
सोलह, सॉरी 161 इसमें टाइप हो गया, तो यह है 16, ठीक है, 16 नवरत्न कंपनियां हैं, इसको आपको ध्यान देना है। 16 ही था, इसमें फुल स्टॉप लग गया इसलिए ऐसा दिख रहा है, तो 16 आप इसको ध्यान दीजिएगा। फिर क्वेश्चन है कि गांधी जी मशीनीकरण के विरोधी नहीं थे, परंतु उनके अनुसार मशीनों का प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि क्यों उन्होंने मशीनों के प्रयोग को उचित नहीं माना? तो इसका आंसर है कि मानव शक्ति एक तो बेकार हो जाएगी, मानव जो है अपने जो मेहनत से जो उत्पादन कर रहा है वो उसकी शक्ति बेकार हो जाएगी, उसकी रचनात्मकता प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। अगला है बेरोजगारी में वृद्धि होगी, मशीन आएगी तो वो 100 व्यक्तियों का काम अकेले करेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक। अगला है खाली बैठने से शरीर में रोग लग जाएगा, व्यक्ति कार्य करता है तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है और यदि कार्य नहीं करेगा तो उसके शरीर में रोग लग जाएगा, इसीलिए गांधी जी ने मशीनीकरण का विरोध किया। तो ये था आज का वीडियो, ऐसे ही और भी चीज़ें लेकर मैं फिर आऊँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।